जय माता दी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शरीर एकदम दुर्बल जैसा दिखता है, जैसे लगता है कोई बहुत पुराना रोगी है, इतना दुबला पतला एकदम हल्का शरीर है। बहुत परेशान रहते हैं, हर वक्त बस यही सोचते हैं, हर किसी से पूछते भी रहते हैं कि क्या खाएं, ऐसा क्या करें कि हमारे शरीर में थोड़ी सी चर्बी आ जाए। ये जो शरीर दिख रहा है, देख के जैसा लगता है एकदम कुपोषित जैसा शरीर, क्योंकि हद से ज़्यादा मोटापा भी बुरा होता है, बीमारी का घर होता है। लेकिन लिमिट से अधिक अगर आपको दुबलापन है तो वह भी आपको रोगी जैसा दिखाता है, क्योंकि जो लोग लिमिट से अधिक दुबले होते हैं देखने में वो बिल्कुल हड्डी का ढांचा, कंकाल तंत्र जैसे दिखते हैं, जैसा लगता है इन्हें भोजन ही नहीं मिलता है, कुपोषित दिखाई पड़ते हैं। तो वैसा शरीर भी बहुत बुरा लगता है देखने में। अब वो परेशान रहते हैं कि आखिर करें क्या, ऐसा खाएं क्या जिससे कि हमारे शरीर में थोड़ा सा मांस चढ़ जाए। तो आज आपको एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बता रही हूँ, इससे आपको ना तो फैट बढ़ेगा, मतलब जो आपका ये दुर्बलता वाला शरीर दिख रहा है, कुपोषित दिख रहा है, वो नहीं, आप एक खाए पिए व्यक्ति अच्छे मालूम पड़ेंगे। और ये मत समझिएगा कि इससे आपका फैट बढ़ जाएगा, आपका मोटापा बढ़ जाएगा, आपका वज़न बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस आप ध्यान से वीडियो को सुनिए और ध्यान से समझिए। सबसे मेन चीज़ तो आप जो उल्टा सीधा खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, जैसे कि मैगी हुआ, पिज्ज़ा हुआ, बर्गर हुआ, थोड़ी सी भूख लगी आप फटाक से खा लेते हैं, ये चीज़ें बंद कर दीजिए। अब आप सोचेंगे ऑयल से तो फैट बढ़ता, मेरा तो बढ़ ही नहीं रहा है, फिर भी आपको ये चीज़ें बंद ही करनी होंगी। आप सुबह सुबह जब सो के उठते हैं, सबसे पहले आप पानी पी लीजिए, आधा लीटर, एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास, जितना आप पानी पीते हैं पानी पी लीजिए, आराम से आप फ्रेश वगैरह हो जाइए। फ्रेश होने के बाद में आपको डायरेक्ट चाय नहीं लेनी है, आपको डायरेक्ट चाय नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा, आपको रोज़ एक सेब खाना है। वो सेब आपको, अगर हरा सेब पसंद है आप हरा सेब ले सकते हैं, आपको लाल पसंद है आप लाल सेब ले सकते हैं, कुछ लोगों को कश्मीरी सेब पसंद होता है। तो मैं यहाँ पर ये चीज़ बता दूँ, जिससे आप जिस सेब के ऊपर घूसा मारते हैं वो एकदम फट जाता है, वो खाने में तो बहुत टेस्टी लगता है, एकदम खुश्क होता है, लेकिन वो सेब आपको खाना नहीं है इस समय, क्योंकि आप अपनी सेहत के लिए खा रहे हैं ना। तो आपको एक फ़ायदे वाली चीज़ मैं बता रही हूँ, आपको वो सेब खाना है जो काटने में हल्का सा कड़ा महसूस होता है, टाइट महसूस होता है, और जब आप दांत से काटते हैं तो भी आपको हल्का सा टाइट महसूस होता है, वो देसी सेब है। आपको वही एक सेब रोज़ सुबह खाना है, और उसके 15-20 मिनट के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना, ना तो चाय पीना है, ना पानी पीना है, ना आपको कुछ खाना है। 20 मिनट के बाद में आप चाहे चाय ले लीजिए, चाहे आप नाश्ता ले लीजिए, कॉफ़ी ले लीजिए, आप जो चाहें खा पी सकते हैं। अपना प्रतिदिन का आप ये रूटीन बना लीजिए। उसके अलावा रात को जब आप भोजन करते हैं, हाँ एक चीज़ और आपको बता दूँ, सुबह का नाश्ता जब आप करते हैं, जैसे 10 बजे करते हैं, 9 बजे करते हैं या 11 बजे करते हैं, तो सुबह के नाश्ता में आप कोशिश कीजिए कि बहुत लोगों के यहाँ, देखिए आप जानते हैं बहुत लोगों के यहाँ सब्जी पराठा बन गया, सब्जी पूड़ी बन गई, ज़्यादातर नाश्ता में सुबह सुबह लोगों के यहाँ यही होता है, लेकिन आपको एक हेल्दी डाइट लेनी है। आप कोशिश कीजिए आप एक कटोरी दलिया ले सकते हैं, वो दलिया नमकीन भी हो सकता है, मीठा भी हो सकता है, या आप रात को दलिया भिगो दीजिए, एक बड़े चमचा भर दलिया रात को आप भिगो दीजिए अच्छी तरीके से, और सुबह आप आधा चम्मच देसी घी और उसके अंदर थोड़ा सा जीरा हींग डाल करके उस दलिया को फ्राई कर लीजिए, जैसे कभी कभी आप मूंगफली के दाने फ्राई किया करते हैं। बहुत केवल आधा चम्मच ही देसी घी डालिएगा, और उसके अंदर आपको कुछ मसाले नहीं डालने, केवल सादा नमक डाल दीजिए। अब पहली बात तो ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है, आप खा के देखिएगा, और अगर आपको लगे कि नहीं कम टेस्टी लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा खाने में, तो आप ये समझ लीजिए कि आप दवाई खा रहे हैं। ये आपको रेगुलर करना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अंकुरित चने या मूंग भी ले सकते हैं, अगर आपको हजम होते हैं तो, वैसे दलिया हर किसी को हजम होता है। और रात को जब आप भोजन करते हैं तो अपने भोजन में आप एक रोटी कम खाइए, हमेशा जितनी आपको भूख है उस भूख से आप एक रोटी कम खाइए, और सोने से 15-20 मिनट पहले आप छोटे गिलास भर दूध ले लीजिए, ज़रूर लीजिए। आप रेगुलर इसको करके देखिए, 25 दिन के अंदर आपको अपने बॉडी में फ़र्क दिखेगा, आपके चेहरे पर भी रौनक आ जाएगी, आपका जो ये मरा मरा कुपोषित जैसा शरीर है ये भरना शुरू हो जाएगा, और आपको महसूस होगा कि आपका जो शरीर है हेल्दी दिख रहा है, वास्तव में आपका शरीर अब अच्छा लगना शुरू हो गया है, शरीर में हल्का सा फुर्ती और फैट आना शुरू हो गया है। ये आपको कुपोषित से
वो एक मतलब पोषण प्रदान करेगा जिससे कि आप खाए पिए और अच्छे इंसान मालूम होंगे। इससे आप ये मत घबराइए कि आपका फैट बढ़ेगा, आप करके देखिए। मैंने बोला 20 से 25 दिन के अंदर आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे और फिर आप अपना खुद रूटीन बनाना चाहेंगे कि हाँ आपको हमेशा यही डाइट लेनी है। नमस्कार, धन्यवाद।